हमारे वरिष्ठ आचार्य हैं, सत्राध्यक्ष हैं और इस लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्राकृत विभाग के वरिष्ठ आचार्य हैं। उनसे मैं सभी विद्वानों की ओर से, मैं अपनी ओर से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं, अपने तत्व ज्ञान के चिंतन से हम सभी तत्व प्रेमियों को लाभान्वित करें। आदरणीय आचार्य जी, सब जीव हित करा सुन दुहो पागद भाषा लोगे, तिथयारम तिथयराणम दिव्य झुणी भाषे साही सोहदी, ऋणिय सोय दो चारण दो ए साणा ऋण मणाणम हरदी, सव्वा माधु सत्यो वैणे पागद भाषा धरदी। यह मातृभाषा के रूप में जो प्राकृत भाषा की मैंने छोटी सी एक छंद लिखा, मुझे हर्ष है इस सत्र में मैंने लगभग 7 विद्वानों के शोध आलेखों को सुना, उनका लाभ लिया। यद्यपि समीक्षा किसी दूसरी दृष्टि से कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी लिखते हैं वह पर्याप्त श्रम करते, समय लगाते हैं, चल के आते हैं और सभा में प्रस्तुत करने का भी एक पौरुष होता है, साहस होता है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं सर्वश्री डॉक्टर बलराम शुक्ल जी जिन्होंने ऑनलाइन दिया, डॉक्टर मनीषा लालनू, डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, रविंद्र वशिष्ठ जी साहब हमारे बड़े भाई साहब, डॉक्टर कल्पना जी हमारी साथी, डॉक्टर महावीर शास्त्री, इन सभी ने जो ये आलेख प्रस्तुत किए, उन सभी के प्रति मुझे कुछ कहना है। व्यक्तिगत किसी से नहीं कह रहा हूं, पर कहना है इसलिए कि कुछ इस पद का भी दायित्व तो है, वह अपना निर्वहन करना ही चाहिए। पहला ये कि समसामयिकता जो विषय रखा गया था, उसमें जिन बिंदुओं को हमें प्रस्तुत करना चाहिए था, वह उस दृष्टि से उतने तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं हो सके, इसको मैं सविनय स्वीकार करता हूं। विषय लोगों ने चुने, उसमें श्रम बहुत अच्छा किया, लेकिन जैसे सुबह डॉक्टर दयाशंकर तिवारी जी ने बताया, एक रोड मैप दिया कि आज आप जो मैथमेटिक्स पे इतने काम हो रहे हैं, उसमें प्राकृत साहित्य की मैथमेटिक्स या आगमिक मैथमेटिक्स को आप लोग हाईलाइट कीजिए और उसको प्रमोट कीजिए। ये एक तरीका है, जब हम कोई बात कहते हैं तो उसके साथ में इस पक्ष को रेखांकित किया जाए। बाकी विद्वानों ने भी सिक्कों पर, मैं आश्चर्यचकित रहा जब शैलेंद्र मोहन झा जी ने हमारे बीच में बोला कि लगभग लगभग 13वीं शताब्दी तक, गलत तो नहीं करूं मध्यवर्ग, तब तक प्राकृत के अभिलेख विभिन्न काष्ठ पट्टिकाओं तक पे मिले, शिलालेखों में मिले, ताम्र लेखों में और अन्य विविध लेखों में मिले, और उसके साथ साथ उनका जो मूल विषय था सिक्कों पर। मैंने अभिलेखों पर तो थोड़ा काम किया और सिक्कों पर नहीं किया था, आपने जानकारियां दी। मैं यह अपेक्षा करूंगा कि क्या मित्रवर आप हमारे विभाग को, हमारे इस विषय को, इस संगोष्ठी को एक थोड़ा अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उस जो अभिलेखों, इसमें सिक्कों में जो प्राकृत के पाठ हैं, उनका विवरण पूरी तरह से हमें प्रस्तुत करके दे सकेंगे, हम अपने विद्यार्थियों के लिए आगे एक मार्गदर्शक के रूप में उसको रखना चाहेंगे। यह एक सामयिक उपलब्धि होगी ताकि लोग जान सके। हमारे विद्वानों ने कई धार्मिक विषयों पर जो लिए, धर्म के साथ एक बड़ी समस्या है कि उसके साथ सांप्रदायिकता जुड़ जाती, लोग उसको ईमानदारी से नहीं ले सकते कि जिन मनीषियों ने अपार चिंतन पूर्वक, साधना पूर्वक जो विचार निश्चित करके प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों को हम उनमें अपने जीवन की सार्थकता ढूंढें। आज हमारे यहाँ के वो डॉक्टर तनु जैन जो सुबह आई थी, साथ बैठे, वो बताते हैं कि आज विपस्सना के बारे में वर्ल्ड वाइड इतनी जागृति है, ऐसे ऐसे सेंटर बन रहे हैं कि हमारे इंडिया के सामान्य ध्यान केंद्रों में, हमारे मंदिरों में तो कुछ है ही नहीं। क्या हमारे यहाँ भी जो ध्यान प्राकृत में जो ध्यान संबंधी विषय है, जो अन्य तत्व चिंतन के, डॉक्टर साहब ने कहा अनुप्रेक्षा, इनके हम व्यवहारिक पक्ष निकालें। आज विश्व में लोग दीवाने हैं, मैंने विश्व के लेवल पर कई लोगों से जुड़ा हुआ हूं, आज भी मेरा प्रतिदिन
रात को 8 से 9 एक इंटरनेशनल लेक्चर होता है जो कंटिन्यू चलता है एक विषय पे, तो वो जो चल रहा है मुझे पता है कि कितनी जिज्ञासा है, कितनी प्यास है, लेकिन कमी ये है हम वहां तक उनके अनुकूल रूप में बात पहुंचा नहीं पा रहे। हम उनको इन विषयों को एक विशाल फलक पर लोग उपयोग कैसे करें, हम पढ़ें कैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम बताएं कैसे हमने क्या पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके बीच में आप पहुंचाना चाहते हैं वर्तमान संदर्भों में वो इन्हें कैसे उपयोग करें, ये रोड मैप भी आप देंगे तो शायद इसकी बहुत सार्थकता हो। हमारे साथ बच्चे हमारे प्रिय छात्र रूपम ने और नीरज ने जो विषय प्रस्तुत किए, मैं उनको समय भी कम मिला पर उनकी मेहनत जानता हूं। आज एक बड़ी विडंबना है, हम भी कहीं जाते हैं हमें पता नहीं कि हम किसी महान शिलालेख के बगल से गुजर रहे, पता ही नहीं होता। मैंने उसको कहा कि बेटे आप ये विषय रेखांकित करो और इसको इतना हाईलाइट करो, उसके साथ गूगल मैप की जानकारियां तक जोड़ो और उसको हम इंटरनेट पर पूरी तरह से डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, हमारा अपना चैनल है, उसका लाभ ये मिलेगा कि लोग जब कभी उस जगह से जाएंगे तो जिनको जिज्ञासा है, जो जानते हैं सम्राट अशोक क्या था, जो जानते हैं प्राकृत अभिलेख क्या है, कम से कम एक बार देखने तो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं इसी प्रसंग में, पुणे विश्वविद्यालय के कुछ विद्वानों ने कुछ अभिलेख खोजे, शैलेंद्र मोहन जी आप भी ध्यान दीजिए, दयाशंकर जी भी और आदरणीय भाई साहब रविंद्र जी तो हमारे बड़े हैं ही और इस विषय के अपार विशेषज्ञ हैं। वहां पर लोहगढ़ की जो किला है उसकी उच्च प्राचीरों में छोटी छोटी कुछ गुफाएं या ऐसे स्थान बने हैं, उनमें लगभग 12 शिलालेख ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के मिले हैं जिन पर अभी तक कोई प्रकाशन का कार्य नहीं हुआ। मैं प्रयत्नशील हूं, कोई यदि मेधावी विद्यार्थी मिल जाए, श्रमशील मिल जाए तो वो खाली वो विद्वान हमें मदद करने को तैयार है, उन्होंने प्रतिश्रुति दी है। 4 विद्वान है वहां पुणे में जो इसी के एपिग्राफी के और इंस्क्रिप्शन के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा आप विद्यार्थी भेजिए, उनके लिए रिवर्स इमेज हम बनवा के भेजेंगे, साधन देंगे, उनके साथ लगेंगे। और आप जानते हैं एक अभिलेख जब प्रकाश में आया था तो विश्व में तहलका मच गया था, आज ये लगभग 500 साल बाद पहला ये अवसर है कि लगभग 12 अभिलेख एक साथ ऐसे मिल रहे हैं, इतने प्राचीन मिल रहे हैं और उनके तथ्यों पर आज तक विचार नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूं कोई विद्यार्थी यदि करे तो प्राकृत की असली समसामयिकता ये है, प्राकृत साहित्य की समसामयिकता ये है, उतने पहले क्या हुआ उसके साथ आज उनकी उपादेयता हम सिद्ध कर सकें। आप इतिहास की एक छोटी छोटी चीज को नहीं जानते, कभी कोई एक नया तंतु मिलता है वह कितनी दूर तक असर करता है हमें पता नहीं चलता। ऐसे कई शब्द मेरे पास आलेख में लिखे हुए थे पर समय नहीं है, अगले जो कार्यक्रम के लिए हमें हॉल देना है, पर हम इन चीजों को विचार करें। साथ ही मैं बहन कल्पना जी से भी निवेदन करूंगा, हमारे संगोष्ठी के संयोजकों से निवेदन करूंगा, माननीय सुमन जी हमारे बीच में विद्यमान है, और साथ ही मैं माननीय कुलपति जी से विशेष तौर पर मेरा अनुरोध पहुंचाए वहां तक कि आगे कोई भी संगोष्ठी हो इसका निर्णय फरवरी के अंत में नहीं हो, इसका निर्णय वह साल शुरू होने के पहले हो, कम से कम एक संगोष्ठी के लिए 3 महीने का समय दिया जाए। फिर जो विषय आपने संगोष्ठी का केंद्र विषय रखा उस केंद्र विषय के लिए आप पॉइंट तय कीजिए कि आपने क्यों रखा, क्या चाहते हैं, और उसके बाद लोगों को लेख आमंत्रित किए जाए और वो आलेख बाकायदा पहले सोवनियर प्रकाशित हो, नहीं हो फोटोस्टेट करके दिए जाए रख के, उसके बाद संगीति हो ताकि जो बोले, और मैं तो प्रयास करूंगा आगे कभी मेरे अधिकार में रहा, अब ये सही है कि आज की डेट में इस विद्यापीठ में एक अध्यापक के अलावा किसी अधिकार में नहीं हूं, भले ही कितने ही पदों पर रहा आज उन सबसे शून्य हूं, लेकिन मुझे अपना आत्मविश्वास है और मुझे विश्वास है संस्था के प्रशासकों पर कि वह बात पर ध्यान देंगे, सत्य बात पर। एक आलेख के वाचन के बाद जितना समय आलेख के लिए
उतना समय कम से कम परिचर्चा के लिए, एक दिन में 7 या 8 से ज्यादा आलेख होना ही नहीं चाहिए। परिचर्चा के बिना सार्थकता क्या है? बहुत पीड़ा होती है मुझे जब किसी को रोकना पड़ता, भाई साहब सार बता दो, निष्कर्ष कर दो। अरे किसने कितनी श्रम से पैदा किया है, उसका सम्मान नहीं कर रहे हम, तो माफ करना, ये खाना पूर्तियों से हम विद्या का हित नहीं कर पाएंगे। औपचारिकता पूर्ति हो रही है, गण पूर्ति हो रही है, लेकिन गुणवत्ता पूर्ति नहीं हो रही है। हम निवेदन करेंगे माननीय सुमन जी से कि आगे ये बात अपने प्रतिवेदन के रूप में संस्था तक पहुंचाएं, एक विद्यार्थी को भी समय दिया जाए तो दिया जाए, उसकी बात पूरी सुनी जाए और उस पर चर्चा का समय हो ताकि इसकी सार्थकता हो सके। मुझे जो यह अवसर दिया उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद।